सरकार द्वारा यूपीएससी में लेटरल एंट्री का फैसला वापस लेने पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि ये फैसला आज का नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का पाप था। कांग्रेस ने इसी तरह 1976 में वित्त सचिव बनाया था। मनमोहन सिंह कोई आईएएस नहीं थे। श्रीमती इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के समय में ऐसे कई लोग आए, लेकिन मैं पीएम मोदी का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस पर तुरंत कार्रवाई की। कांग्रेस जब सरकार में थी तब उन लोगों ने इस पूरे फॉर्मूले को अपनाया, लेकिन पीएम मोदी की सरकार ने सभी का सम्मान करते हुए इसको रोकने का काम किया। फैसला आज का नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का पाप था। कांग्रेस पार्टी ने इसी तरह, याद कीजिए, एक देश के प्रधानमंत्री हुए मनमोहन सिंह जी, 1976 में फाइनेंस सेक्रेटरी इसी तरह बनाया था। कोई आईएएस ऑफिसर नहीं थे मनमोहन सिंह जी। और श्रीमती इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के पीरियड में कई लोग ऐसे आए, लेकिन मैं तो धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिन्होंने इस पर तुरंत कार्रवाई किया। विपक्ष कह रहा है कि हमारे दबाव की वजह से। अरे विपक्ष तो बाहर में बैठा है ना, जब वो सरकार में थे तो नहीं किए, ये हमारा कहना है। हमारा सीधा आरोप है कि कांग्रेस पार्टी जब सरकार में थी तो उन लोगों ने इस पूरे फॉर्मूले को अपनाते रहने का काम किया, लेकिन मोदी सरकार ने सभी का सम्मान करते हुए उसको रोकने का काम किया। और कुछ लोग कल बिहार बंद का या देश बंद का अपमान किए हैं। आप सोचिए कि जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट में ये तय हो गया कि हम जो एससी और एसटी वर्ग के जो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया उस पर कोई हम रिवीजन नहीं करेंगे, ये नियम पूरी तरह लागू रहेगा, तो बंद करने का क्या सवाल उठता। जब भारत की सरकार ने तय कर दिया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तय कर दिया कि एससी एसटी के किसी भी मामले में कोई छूने का काम सरकार नहीं करेगी, तो फिर बंदी क्यों है ये मैं जानना चाहता हूँ।